दोस्तों यह गल ना मेरे दिल दे बहुत गरीब है, ध्यान सुनियो ते एंड च कंक्लूजन देखियो गल दा। एक बंदे दी ना रब नाल लड़ाई हो जांदी है, वह सीधा रब नूं ताना मारदा है। बंदा रब दो अलग अलग चीजा, बंदा कहिंदा रब नूं कि यार तैनूं पता नहीं लगता, तू आप दी मर्जी नाल मींह पा दिंदा, तू आप दी मर्जी नाल हनेरी चला दिंदा, तेनू ए नहीं पता हैगा कि कणकां नूं किन्ना पानी चाहिदा है, जीरियां नूं किन्ना पानी चाहिदा, किन्नी हनेरी चाहिदी है, किन्ना बुरा हाल हुंदा है, किन्ना किन्ना नुकसान हुंदा साडा। तू एक बार ना जो तू सारा कुछ करदा, जिहड़ियां तेरे कोल शक्तियां हैगियां ने ना, तू एक बार मैनू दे, मैं तेनू दसदा कि सृष्टि किवें चलाई जा सकती है। रब सुन रहा हुंदा, रब कहना देख लै भी मैं फड़ा ता दिना भी तैं पछताउणा बाद विच, उह कहना नहीं तू मैनू दे एक बार कमांड, मैं तुम दसदा कि किवें सारा कुछ चलता है। चलो जी, रब अपना जो भी सिस्टम हुंदा सारा बंदे नूं दे दिंदा, वह बंदा की करदा जिन्नी जिन्ना पानी चाहिदा सी उन्ना ही मीह पौंदा, जिन्ना पानी चाहिदा सी उन्ना ही मीह पौंदा, जिन्नी रिक्वायरमेंट सी ना उहदे अकॉर्डिंगली ही काम करदा, बिल्कुल डिट्टो। जदों जदों मीह पैना चाहिदा सी उदों उदों मीह पाया, हनेरी तां चलणे नहीं दित्ती ताकि एक भी पॉइंट का नुकसान ना हो। जे कणकां ने 3 फुट की होना सीगा, कणकां 6-6 फुट दी हो गई, जीरिया का भी प्लेटफॉर्म जिन्ना होनी चाहिए सी उहदे नाल भी डबल हैवी हैवी। तो बंदा रब नूं आके कहिंदा देखिया तेरे नालों डबल काम किया क्योंकि मैं सही टाइम से सही चीज चलाई है। रब कहिंदा खड़ जा 2 मिनट खड़। जदों कणक नूं चैक करदा ता उदे च दाना हुंदा ही नहीं। वो कहंदा जी ये किवें? रब कहंदा, गल सुनने वाली आ हुण, रब कहंदा कि तैं हनेरियां तां चलणे नहीं दित्तियां, इन्हां कणकां ने दुखां दा सामना तां कीता ही नहीं, ये किवें डिवेलप हुंदे, किवें ये अपने आप नूं माड़े तो माड़े हालात विचों कढ के ग्रो हुंदे, जदों तू इन्हां नूं रख्या ही ना जुग, इन्हां नूं तां पता ही नहीं कि हालातां नाल लड़ना किवें है, इन्हां नूं तां पता ही नहीं कि जे हनेरियां आ गईआं, झक्खड़ आ गया, ज्यादा पानी आ गया, घट आ गया, अपने आप नूं डिवेलप किवें करना है, माड़े हालातां नाल लड़ना किवें है। दोस्तों जे जिंदगी दे विच कामयाब होना ना तां बुरे हालातां दे नाल लड़ना पैणा है, ऐदां तरक्की नहीं हो सकती। जे तुसीं कहो कि सारा कुछ समूथ चलदा रहे, साडी जिंदगी दे विच सुख ही रहे, दुख सानू आने ना, तो तुसी कदे भी डिवेलप नहीं हो सकते। थोनू कदे नहीं पता लगूगा कि असी कामयाब होए हैं कि नहीं होए हैं। थोनू यही लगना कि जो खा रहे हैं जो पी रहे हैं यही सच है। जदों तक तुसी माड़े तो माड़े हालात नाल झूझरदे नहीं हैगे, जदों तक तुसी अपने आप का बुरे तो बुरा टाइम देखते नहीं हैगे, उदों तक थोनू सुखां का एहसास नहीं होना हैगा। जिंदगी दे विच दुख होने बहुत जरूरी ने। साडे गुरु ग्रंथ साहिब जी भी सानू ये चीज समझाउंदे ने कि ओ बाणी पढ़न दा मतलब भी यही है कि दुखां दा सामना किवें करना है, ना कि ये नहीं है कि दुख आउणगे नहीं थोड़ी लाइफ दे विच। अज तुसी ये चीज नू अपने माइंड दे विच डिवेलप कर लैंदे हो ना कि हाँ यार जो लाइफ दे विच प्रॉब्लम्स आउणगियां मैं ओ फेस करनियां करनियां ने, ते मैं उहनां नू फेस करके उहनां दे विचों लर्निंग लेके अपने आप नू डिवेलप करना है। जे कणकां दे विच हनेरियां ना होण, ज्यादा पानी ना आवे, उहनां नूं किवें पता लगो कि अपने आप नूं किवें ग्रो करना है। ऐदां ही साडी लाइफ दे विच जे प्रॉब्लम्स नहीं आउणगियां तां सानूं किवें पता लगूगा कि माड़े हालातां नाल किवें जूझी दा हुंदा, किवें निकली दा हुंदा इदां दे माड़े दे माड़े टाइम दे विच। दोस्तों इस चीज़ नूं ना अपनी लाइफ दे विच जरूर अपनायो। जदों जदों थोड़ी लाइफ दे विच प्रॉब्लम आई है तो उहनूं एक अपॉर्चुनिटी दी तरह लैणा, एक लर्निंग दी तरह लैणा है। उत्थों इह सोच लैणा कि इह प्रॉब्लम आ गई, सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करनी है, सोल्यूशन डिस्कस करना कि इहदे चों निकल किवें सकदे हां। यही थोड़ी सैल्फ डिवेलपमेंट है, यही थोड़ा सैल्फ स्टीम है, इन्हें ही थोनू उपर चकना है। होर लाइफ दे विच जिहड़े सक्सैसफुल ते अनसक्सैसफुल परसन दे विच डिफरेंस है, वह यही है, एक सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करता है, दूजा प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कस करता है कि इहनू इस तरीके नाल किवें निकल के जा सकते हैं, ते अपने आप नू अपनी सैल्फ डिवेलपमेंट नू किवें इनक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखियो इस गल का, अपनी लाइफ च अपनायो, डट के रहो।